फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हमारे पास VW टाइगोन गाड़ी आई है कंपनी की। इसका हम डीजल फिल्टर रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको हम इसका इजी तरीका बताते हैं। सबसे पहले जो इसका डीजल फिल्टर है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो 5 बोल्ट दिए लंकी T20 के, इसको ओपन करना है। T20 के एलंकी से आप ओपन कर सकते हैं। ये डीजल फिल्टर बॉडी आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, पाइप को कोई भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 बोल्ट ओपन कीजिए, इसको बाहर लीजिए सब प्रेस करके। ये देखिए, ये आपका डीजल फिल्टर बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हम इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये इसका नया फिल्टर है, ये देख सकते हैं। तो हम इसमें ये फिट करेंगे, आपको इसमें एक बात बताएंगे। ये देखिए, ये जो होल दिख रहा है, ये जो डीजल फिल्टर का टी दिख रहा है, ये टी ना होल के अंदर आपको बिठाना है। क्योंकि यहाँ से क्या, इसका रिटर्न जो एयर निकालने का रहता है, यहाँ से निकालते हैं आप। इसके लिए ये वाला होल इसके सामने आना चाहिए इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से आपका नहीं आया, आपने इधर उधर करके कुछ लगा दिया, तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, रनिंग में स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके बाद ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट है वो इस होल के अंदर बिठाइएगा। इस प्रकार से हम आपको बिठा के दिखाते हैं। और फ्रेंड, एक और इसमें बात है, इसमें जैसा अपना सादा फिल्टर आता है, उसमें कैसा साइड से बॉडी वॉडी में रिंग देता है, इसमें रिंग नहीं देता है। ये डीजल फिल्टर के साथ ही रिंग देता है। ये इसका रिंग है, देख सकते हैं, जो डीजल को कवर करता है, चारों साइड से बाहर नहीं आने देता है। तो फिलहाल हम इसको पहले बिठा के दिखाएंगे। देखते हैं, इस तरीके से बिठा लीजिएगा। और बिठाने के बाद इसको इस तरीके से इजीली अंदर डाल दीजिएगा। ये आपका डीजल फिल्टर एकदम स्मूथली बैठ जाएगा। इसमें फ्रेंड 5 बोल्ट आते हैं T20 के, तो ये बोल्ट हम इसमें लगाएंगे। ये आपको डीजल फिल्टर ओपन करने का इजीली तरीका बताया। इसको बहुत से आदमी क्या करते हैं, बाहर निकाल कर पाइप निकाल कर बाहर निकाल कर फिर खोल कर फिर बिठाते हैं। तो ऐसा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आप इधर भी इसका बोल्ट खोल के ओपन करके ऐसे फिट कर सकते हैं, जिस तरह हम फिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये डीजल फिल्टर हमारा रिप्लेस हो चुका है, तो हम आपको इसका एयर निकालने के बारे में थोड़ा सा टेक्निक देंगे। तो फ्रेंड, कैसा है ये जो देख सकते हैं, डीजल फिल्टर के ऊपर ये निप्पल दिया है, जिसमें हमने देखिए ये निप्पल दिया है। ये निप्पल क्या है फ्रेंड, आप डायरेक्ट ऐसा भी लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा लूज़ करके आप एयर निकालेंगे, तो इधर पूरा आपके इंजन के इधर डीजल भर जाएगा। तो इसमें से कोई भी पतला ये ब्रेक देखिए वाइफर का पाइप है, या ऐसा वाइफर का पाइप अगर मिलेगा, आप इस निप्पल में लगा दीजिएगा। निप्पल में लगा के ये जो है इसको लूज़ कर लीजिए। इस तरह से देखिए, हम लूज़ कर रहे हैं, ये निप्पल को आप लूज़ कर लीजिए। और निप्पल को लूज़ करके कोई डब्बा ले लीजिए, आपका डीजल यूज भी हो जाएगा कुछ सामान वामान धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो ऐसा एक डब्बा रख लीजिए। और उसके बाद आपको फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, इसका गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट करके एयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई हैंडपम्प नहीं दिया है। बाकी गाड़ियों में क्या रहता है, हैंडपम्प दिया रहता था, हैंडपम्प द्वारा आप यहाँ से एयर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका गाड़ी स्टार्ट करके एयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका गाड़ी स्टार्ट करके एयर निकाल देंगे। और उसके बाद से जब आपका गाड़ी का एयर निकल जाएगा, थोड़ा सा इसमें डीजल भर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, तो आपका उसमें उतने में एयर निकल जाएगा। उसके बाद ये निप्पल को टाइट कर दीजिए। तो हाँ, मेरा गाड़ी चालू कीजिए। निकल लीजिए, निकालने के बाद निकल को लॉक कर दीजिए। ये आपका एयर निकल गया।
आपका एयर निकल गया है, ये आपको हमने डीजल फिल्टर ओपन और फिटिंग करने एकदम इजी तरीका बताया था, तो इस तरह से आप इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस कर सकते हैं। और एक ट्रेंड इसमें बात है, अगर आप कभी आपको ईयर यहाँ से निकालना नहीं है तो डीजल फिल्टर यहाँ से ओपन करके और इसके अंदर डीजल भर कर भी बॉडी के अंदर पूरा डीजल भर लीजिए, उसका डीजल फिल्टर लगा दीजिए और उसका डायरेक्ट आप सेल्फ मारेंगे तो भी आपका गाड़ी चालू हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप चालू कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा सिस्टम है। एयर निकालने से क्या रहता है, क्योंकि इसके अंदर का लाइट जो रहता है एयर पकड़ने का, आपका लाइट क्लियर हो जाता है, तो एयर निकालेंगे तो आपके लिए इंजन के लिए अच्छा है। इसमें हमने इसका एयर भी निकाल दिया है, डीजल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।